फिर से ले जा रहा हूँ आपको नया म्यूजियम। म्यूजियम हर बार चंद्रधारी मिथिला संग्रहालय ले जा रहे थे, लेकिन इस बार नया वाला म्यूजियम चलते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ दिखाते हैं, महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय में ले चलते हैं और यहाँ पे पहले गेट पे एंट्री मारते हैं। यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सबसे पहले अंदर चलते हैं और क्या क्या लगा है, क्या क्या झूला है, सब कुछ दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री मारे और इधर इतना अच्छा पार्क यहाँ पे बना हुआ है और झूला भी झूलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे झूला उला देख लिया है और इधर बैठने वाला है कपल लोग का, लेकिन हम लोग कपल नहीं है, दोस्त लोग आए हैं। और इधर लगा है स्टैच्यू, तो देख सकते हैं बुद्ध भगवान का। कि बुद्ध भगवान का यहाँ पे सर नहीं है, लेकिन बुद्ध भगवान पूरा है। तो लगता है जब निकाला गया ये मूर्ति तभी इनका सर टूट गया होगा, या शायद कुछ ऐसा हुआ होगा घटना। तो चलिए चलते हैं, बुद्ध भगवान का दर्शन कर लिए, अब चलते हैं म्यूजियम के अंदर। जो यहाँ पे मेन चीज़ हम देखने के लिए आए हैं उसका चलते हैं दर्शन करेंगे, पूरा घूमेंगे। क्या क्या प्रोसेस है सब हम बता देते हैं रास्ते में। सबसे पहले जाके साइन करना पड़ेगा, उसके बाद अपना घर का एड्रेस दीजिए, उसके बाद अपना जिला दीजिए, बस अंदर जाइए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आइए फैमिली के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। पुराना पुराना चीज़ सब यहाँ पे है, हम मतलब छुप छुपा के वीडियो बनाए हैं छोटा छोटा, मतलब पूरा अच्छा से डिटेल्स नहीं बनाया है, नहीं तो आप लोग नहीं आइएगा। बस छोटा छोटा क्लिप लिए है आप लोग के लिए, कि आप लोग आके देखिएगा और अच्छा लगेगा तब आप विजिट करने के लिए आइएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके अंदर, उसके बाद छोटा छोटा क्लिप लिए हैं। म्यूजियम के अंदर एंट्री मारते ही सबसे पहले ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद इस काउंटर पे अपना नाम पता लिखिए, ये वाला काउंटर। पूरा घूम लिए, अच्छा लगा, मतलब नीचे भी घूमने वाला था 2-3 रूम और ऊपर भी 2-3 रूम घूमने वाला था। तो जिन लोगों को अगर नहीं पता है कि चंद्रधारी संग्रहालय के बगल में भी एक संग्रहालय है, वो ये वीडियो देख के आ सकते हैं, कोई फी नहीं है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट घूमना है। और पार्किंग जैसा कि देख ही सकते हैं, इधर झूला वूला झूलने का पूरा व्यवस्था किया गया है। आप लोग आइए फ्री में घूमिए, एकदम मस्ती कीजिए। और जैसा कि देख ही सकते हैं यहाँ बुद्ध भगवान का पूरा स्टैचू था, लेकिन इसका मुंडी नहीं है, सर इसका गायब है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और जिस सबको घूमना है दरभंगा म्यूजियम के आसपास, तो वो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और हरि ब्लॉग्स को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है दोस्तों, 1 साल हो गया। तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि ज़्यादा हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो ऐसे में धैर्य खो रहा हूँ मैं। जो लोग दरभंगा के आसपास के हैं उन लोग को शेयर करिए ये वीडियो और उनको भेजिए, क्योंकि यहाँ पे दरभंगा में बहुत अच्छा अच्छा चीज़ सब बन गया है घूमने के लिए। और देख ही सकते हैं यहाँ फैमिली के साथ सब आया हुआ है अपना झूला वूला झूलने के लिए।
तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सभी के झूलने के लिए झूला का व्यवस्था किया गया है। आप लोग फैमिली के साथ आइए, यहाँ घूमिए और इस बच्चा को देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आ सकते हैं, आज संडे का दिन है तो इतना भीड़ लगा हुआ है, कोई बात नहीं, आप कभी भी आ सकते हैं, हमेशा खुला ही रहता है। तो दोस्तों ये वाला संग्रहालय घूम लिए, अब चलते हैं चंद्रधारी मिथिला संग्रहालय। तो दोस्तों म्यूजियम आए थे तो एक तो लड़का यहाँ पे बैक फ्लिप मार रहा है, उससे थोड़ा इंट्रोडक्शन, अपना नाम बताइएगा। प्रिंस फ्लिपर बॉय नाम है, मतलब प्रिंस नाम है, फ्लिपर बॉय इंस्टा आईडी है। तो भैया अभी आप लोग के सामने में बैक फ्लिप मार के दिखाएगा, तो चलिए दिखाते हैं। वाओ बहुत अच्छा। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। ऐसे बात सुनने को मिलता है बट हमको कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। ऐसा है जो दरभंगा है, इसीलिए दरभंगा और बिहार है तभी तो ऐसा है, बाहर में इतना वो नहीं होता है गाइस। और आप अपनी मर्जी से भी वीडियो बना सकते हो, यहाँ पूछ के भी बना सकते हो, मगर ऐसा है ना, यहाँ को आदमी को लगता है यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है कंटेंट क्रिएटर को, तभी दरभंगा से एक यूट्यूबर नहीं है, अगर कोई बनना चाहता है तो सब टांग खींच देता है, ऐसे ऐसे बात बोल के मोटिवेशन दो हो जाता है गाइस। और ये भी मोटिवेट नहीं होंगे कभी, ठीक है, कभी ना कभी निकलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, भैया को भी कीजिए, हमको भी कीजिए, जितना भी दरभंगा में जो चीज कर रहा है उसको भी कीजिए। और आप लोग भी इसका भी तो देखिए, कितना तो देखते होंगे, तो वो सपोर्ट कीजिए, आपके लिए सही भाई बात सुन के फिर से वीडियो बनाए, तो आप लोग सपोर्ट करिए हरी ब्लॉग्स को।